कश्मीर में आतंकवादी भेजने वाले पाकिस्तान को डराने वाली एक और खबर आई है। जल्द ही भारत और रूस मिलकर पांचवी पीढ़ी का विमान बना सकते हैं। ये ऐसा फाइटर जेट होगा जिसे दुश्मन सेना ना तो देख पाएगी, ना पता लगा पाएगी और ना ही उस पर हमला कर पाएगी। भारत और रूस मिलकर पहले ब्रह्मोस मिसाइल बना चुके हैं। अब अगर भारत ने इस पांचवी पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन शुरू किया तो ये दुश्मनों के लिए बहुत बुरी खबर है। संभावना है कि भारत में पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट का निर्माण जल्द शुरू हो सकता है। रूसी अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि रूस के सबसे आधुनिक सुखोई 57 फाइटर जेट के भारत के साथ साझा उत्पादन पर बात चल रही है। भारत और रूस दो दशक से पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट यानी FGFA के साझा उत्पादन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, पर 2018 में ये बातचीत रुक गई थी और इसके साथ ही संभावना बन रही है कि FGFA का निर्माण भारत में शुरू हो सकता है। पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट वो होता है जो स्टिल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित हो, यानी जिसे दुश्मन का रडार देख ना पाए, लेकिन उसका रडार किसी भी खतरे को बहुत दूर से भांप ले और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए उस खतरे से निबटने के लिए हथियार तैनात कर ले। उसके हथियार समुद्र, जमीन और आसमान हर जगह एक जैसी काबिलियत के साथ वार कर सकें, वो देर तक सुपरसोनिक यानी आवाज से ज्यादा रफ्तार से उड़ सके। भारत के पास अभी सुखोई 30 और रफाल जैसे अत्याधुनिक विमान हैं, लेकिन पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट इन सब से बहुत आगे होगा। ये विमान न केवल हल्का है बल्कि रडार की नजरों से ओझल होकर उड़ान भरने की काबिलियत रखता है। अगर ये डील फाइनल हुई तो ये इंडियन एयरफोर्स का पहला स्टिल्थ विमान होगा, यानी ऐसा विमान जिसे रडार देख नहीं पाएंगे। पिछले कुछ सालों में पांचवी पीढ़ी के लेटेस्ट लड़ाकू विमानों ने हवाई युद्ध के मायने बदल दिए हैं। दुनिया की हर बड़ी सैनिक शक्ति अब पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाना चाहती है। इस समय दुनिया में अमेरिकी F-35 और F-22, चीन का चेंगदू 20 और इसके अलावा रूसी सुखोई 57 पांचवी पीढ़ी के सबसे अच्छे फाइटर जेट्स हैं। कई और देश भी ऐसे ही FGFA बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। रूस ने 2020 में सुखोई 57 को अपनी वायुसेना में शामिल किया है और उसने सीरिया के अलावा यूक्रेन युद्ध में भी अपनी ताकत दिखाई है। पूरी दुनिया में एक एयरक्राफ्ट की चर्चा है। कहा यह जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट पूरी दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन, सबसे आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है। यह है सुखोई 57। Su-57 एक फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है। स्टिल्थनेस यानी कि दुश्मन के रडार में पकड़ न आने की जो इसकी क्षमता है वो जबरदस्त है। स्टिल्थनेस लाने के लिए कुछ खास चीज़ों पर काम होता है, डिज़ाइन बदली जाती है, कुछ खास किस्म के कोटिंग उसके ऊपर की जाती है जिससे रडार को उसकी इमेज नहीं मिलती है। स्टिल्थनेस में कहते हैं कि इसका कोई जवाब नहीं, कोई तोड़ नहीं है पूरी दुनिया में। सुखोई 57 का निर्माण कार्बन फाइबर जैसे कंपोजिट मटेरियल से किया गया है, इसलिए दुश्मन के रडार पर यह विमान टेनिस की छोटी बॉल के आकार का नजर आता है और इसी खासियत को स्टिल्थ तकनीक कहा जाता है। इसकी वजह से कोई दुश्मन सुखोई 57 को आसानी से निशाना नहीं बना पाता। सुखोई 57 एक बार में 10 टन से ज्यादा वजन के हथियार ले जा सकता है। ये 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, Mach 2 यानी आवाज से दोगुनी रफ्तार से उड़ान भर सकता है और 3500 किलोमीटर तक बिना अतिरिक्त ईंधन के भी उड़ान भर सकता है। इस विमान में एक बार में 12 हथियार लगाए जा सकते हैं जिनसे ये जमीन, आसमान या समुद्र में किसी भी निशाने को तबाह कर सकता है। भारत और रूस ने 2007 में साथ मिलकर FGFA के साझा उत्पादन पर चर्चा शुरू की थी, लेकिन 2018 तक इस बारे में कोई फैसला नहीं हो पाया। सूत्रों के मुताबिक भारत पहले FGFA की क्षमता को देखना चाहता था और उसके बाद ही किसी समझौते तक पहुंचना चाहता था। रूस ने 2020 में सुखोई 57 को अपनी वायुसेना में शामिल करना शुरू किया और इसके बाद भारत और रूस के बीच बातचीत दोबारा शुरू होने की खबर आई है। भारत ने 250 से ज्यादा सुखोई 30 जेट्स का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक प्लांट में किया है।
इसलिए भारत में सुखोई 57 को उत्पादन शुरू करना आसान है। भारतीय वायुसेना के पास अभी सबसे अच्छे एयरक्राफ्ट में सुखोई 30 और रफाल हैं। भारत स्वदेशी तेजस मार्क 2 भी बना रहा है, जो चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है, लेकिन इसके आने में अभी 4 से 5 साल लगेंगे। भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट यानी एमका बन रहा है, लेकिन उसके आने में अभी 15 से 20 साल लगेंगे। चीन के पास 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, इसलिए भारतीय वायुसेना को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की जल्दी और सख्त जरूरत है, ताकि वो आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रह सके। कृष्णमोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। भारत रूस की जोड़ी जब मिलकर काम करती है तो कुछ कमाल होता है। आइए आपको इससे जुड़ी कुछ और जानकारी हम देते हैं। सुखोई 57 नाम के इस फाइटर जेट की ताकत है रडार को चमका देना, यानी ये दुश्मन को बिना बताए उसके घर में घुसकर हमला कर सकता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो इलेक्ट्रॉनिक हमला करने में मदद करता है। नए फाइटर को उड़ाने के लिए एयरक्राफ्ट में सिर्फ एक पायलट होता है, पर मदद करने के लिए इसमें दुनिया का पहला वर्चुअल पायलट है, जिसकी मदद से बिना पायलट के भी उड़ान भरी जा सकती है। इस 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट में लेटेस्ट हथियार हैं, जो किसी भी दिशा से दुश्मन पर अटैक कर सकते हैं। ये लड़ाकू विमान मल्टी रोल है, यानी एक एयरक्राफ्ट चाहे तो हवा, जमीन या फिर समंदर किसी भी जगह पर हमला कर सकता है।